हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, मैं गिरधारी कुमावत आज आपको राजस्थान का जीके, इनकी राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित एक सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह सेशन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हाईकोर्ट LDC, राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इनकी जिस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके है, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ साथियों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान तथा इंडिया लेवल के सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन संबंधी सूचना भी हम इस YouTube चैनल से आपको उपलब्ध कराते हैं। इन सभी प्रकार की न्यूज़ प्राप्त करने के लिए साथियों, आप इस चैनल के साथ में सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे से जुड़ जाएं। और साथियों, यदि यह सेशन आपको पसंद आता है तो अपना अमूल्य प्यार इनकी मेरा आपका एक छोटा सा लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ इस सेशन को प्रत्येक साथी तक पहुंचा दें जो भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है या जिसके जिसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। साथियों, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे PDF प्राप्त करने के लिए गूगल ड्राइव ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उससे संबंधित यदि आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो आप इसी ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत सारे मैंने लिंक दे रखे हैं, जिस संबंधी जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक के लिंक पर आप क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए साथ ही हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने के लिए साथियों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 100% हम कंटेंट देंगे आपको, तो 0 से लेकर के 100% तक का पूरा कंटेंट इस टॉपिक में मैंने तैयार किया है। किसी भी प्रकार की इसके अंदर त्रुटि न रखिए, जिनकी त्रुटि रहित टॉपिक है साथियों, जो कि 100% शुद्धता के साथ तैयार किया गया है। तो देखिए साथियों, शुरू करते हैं। सेशन पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, उसके बाद में यदि आपको सेशन पसंद आता है तो ही मेरे प्यारे साथियों इस सेशन को लाइक करना, और उसके बाद में आपको लगे कि बहुत अच्छा है तो अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना। चलिए अब आगे की बात ना करते हुए ज्यादा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए साथियों, अपने पास में टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले अपने को राजस्थान के एकीकरण से पहले की स्थिति पढ़ेंगे, इनकी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की स्थिति क्या थी उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 देशी रियासतें थी। इनमें से 19 देशी रियासतें राजस्थान में थी, 19 देशी रियासतें राजस्थान में थी। 3 ठिकाने राजस्थान में थे, जिनमें निमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इनकी राजस्थान में साथियों बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें अपन, तो राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना था जो हमने याद किया है अभी। इसके बाद देखो साथियों, 1945 में ब्रिटेन में कैलिमेंटी
कैलीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। कब बनती है? 1945 में, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और इससे पहले जो चर्चिल की सरकार थी वो सरकार उस सरकार के बाद में नई सरकार बन जाती है लेबर पार्टी की। अब साथियों, लेबर पार्टी की सरकार 1945 में बन जाती है, उसके बाद में ब्रिटेन की संसद से 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित होता है जो स्वतंत्रता भारत के स्वतंत्रता का प्रथम अधिनियम होता है। यानी कि ब्रिटेन द्वारा एक अधिनियम जारी किया जाता है जो 16 जुलाई 1947 को पारित होता है। इस संविधान अधिनियम में क्या कहा जाता है कि इस संविधान अधिनियम में लिखा होता है कि इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त हो जाएगा। इस अधिनियम में लिखा होता है कि 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों से भारत है वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 8वीं धारा ने पुनः इसे बहुत बड़ा संकट ग्रस्त कर दिया। यानी कि जो हमारे संविधान की 8वीं धारा है, उस 8वीं धारा में क्या लिखा हुआ था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था साथ ही देखिए कि 8वीं धारा ने पुनः इन्हें संकटग्रस्त कर दिया, क्योंकि इस धारा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित सत्ता समाप्त कर यह सर्वोच्च सत्ता देशी रियासतों को दे दी जाएगी। यानी कि जिस देशी रियासतों पर ब्रिटिश शासन था वो ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी सत्ता है वो उनको सर्वोच्च सत्ता दे दी जाएगी। इनकी वो देशी रियासत चाहे जिसके साथ जा सकती है, चाहे तो भारत में रह सकती है, चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। तो यदि ऐसा होता तो भारत आज अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि इस प्रकार की देशी जो धारा 8 थी, इस 8 के संकट से बचाने के लिए हमारे देश के महान लोह पुरुष श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन किया, इनकी उसकी स्थापना की। तो रियासती विभाग की स्थापना किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्यों की थी? देशी रियासतों के एकीकरण के लिए की थी। क्यों की थी? देशी रियासतों के एकीकरण के लिए की थी। फिर इन्होंने कब की थी देशी रियासत की स्थापना, रियासत विभाग की स्थापना कब की? तो मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिएगा कि रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की थी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद थे और इसके सचिव वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन इसके सचिव थे। तो इस प्रकार से साथियों, एक संस्था बन जाती है। अब इस संस्था बनने के साथ साथ अब यह संस्था क्या काम करेगी? तो यह संस्था पूरे भारत के अंदर जितनी भी देशी रियासतें हैं उन सबका एकीकरण करेगी। क्या करेगी? इन सभी देशी रियासतों का एकीकरण करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एकीकरण के अंदर कुछ हम इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ लेते हैं। देखिएगा कि जो महत्वपूर्ण है जानकारी है, क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, कि जो राजस्थान है हमारा, हमारे राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले यह होता है कि कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय की बात करें तो राजस्थान में एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब आता है साथियों कि एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी और संपन्न कब हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न होता है। यानी कि राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा चुका है और पूछने के चांस रहते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे, लेकिन जो भारत का संविधान है उसको बनाने में कितना समय लगा था? तो उसको बनाने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हमारे साथियों संविधान के है। एकीकरण की बात करें तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन की बात याद रखनी है। दोनों फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। आगे आता है कि स्वतंत्रता से पूर्व में बता दिया राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था।
अब कौन सी रियासत कहाँ थी, तो देख लीजिए साथ ही मैं आपको बता देता हूँ किस रियासत का संबंध कहाँ से है। तो नीमराणा रियासत अलवर से संबंधित है, कुशलगढ़ जो रियासत है वो बांसवाड़ा की संबंधित है, और लावा रियासत है वो टोंक जिले से संबंधित है। इन सब के बारे में आपने को फैक्ट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब क्या होता है कि जब स्वतंत्रता से पूर्व, आगे लिखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो 565 रियासतें थी जिनमें से 19 केवल राजस्थान में थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई और इसके सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। बिल्कुल सही बात हमने पढ़ रखी अभी कि जो रियासती सचिवालय है उसकी स्थापना 5 जुलाई को की गई थी 1947 के अंदर, और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे वीपी मेनन जी। तो अब क्या होता है कि अब देखो इसके संबंधित अपने राजस्थान में फैक्ट पूछे जाएंगे, तो राजस्थान के बारे में बात बता देता हूँ कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो साथियों वो जोधपुर रियासत थी जिसके शासक थे हनुमंत सिंह, और हनुमंत सिंह शासक थे जो कि पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, लेकिन हमारे सचिवालय विभाग के सचिव महोदय वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी चतुराई से काम किया और विपिन इन हनुमंत सिंह को अपने राजस्थान में सम्मिलित कर लिया। साथ ही साथ इसी प्रकार एक और फैक्ट आता है कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ, इनकी डेथ वारंट पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा कहने वाला कौन थे? तो ऐसा कहने वाले बांसवाड़ा रियासत के महारावल चंद्रवीर सिंह जी थे, क्योंकि साथियों उस समय देसी रियासत में राजा अपने आप को सर्वोपरि मानता था और वो देखते थे कि यदि हम इसके साथ मिल गए सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर हमारा कानून नहीं चलेगा, फिर सरकार जो होगी उसका कानून चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर आज हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कहने वाले बांसवाड़ा रियासत के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। तो साथियों ऐसे फैक्ट के बारे में पढ़ने के बाद देखिएगा जो जोधपुर रियासत है सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी रियासतों के क्या क्या फैक्ट है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे साथियों तो आपको जोधपुर बतानी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत पूछे साथियों, सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत आती अपनी आती वो मेवाड़ जो कि उदयपुर की है। अब आगे आता है कि सबसे प्राचीन यदि मारवाड़ मेवाड़ है सबसे प्राचीन में तो सबसे नवीनतम रियासत कौन सी होगी, तो साथियों सबसे नवीनतम रियासत है झालावाड़, और झालावाड़ रियासत एक ऐसी रियासत है जो एकमात्र रियासत है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई थी। इनकी अंग्रेजी रियासत कौन सी है, तो अंग्रेजी रियासत की बात करें तो भी आपकी झालावाड़ होगी। आगे की बात करें यदि कि राजस्थान की मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो मुस्लिम रियासत की यदि हम बात करें साथियों तो अपनी मुस्लिम रियासत टोंक आती है, जो टोंक के संबंधित इनकी टोंक रियासत मुस्लिम रियासत मानी जाती है या थी। आगे आते हैं कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ पर जाट शासक थे, तो साथियों भरतपुर और धौलपुर दो ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर जाटों का अधिकार था, बाकी अन्य सभी रियासतें राजपूती रियासतों के अंदर आती है। इसके बाद साथियों एक और पूछा था कि एकीकरण के समय सबसे अंत में जो शामिल होती है वो रियासत कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे अंत में शामिल होती है रियासत वो साथियों सिरोही रियासत। तो इस प्रकार से साथियों ये रियासतों से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो हमने पढ़े हैं। यदि आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो साथियों कमेंट में जल्दी से जल्दी लाइक बटन को भेज दीजिएगा कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं साथियों 100% कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूँ, और आपके इस कंटेंट से एक भी सिलेबस का टॉपिक जो रहेगा आपके राजस्थान का एकीकरण उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। आप इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा, और इसकी नोट्स की पीडीएफ फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे क्या है कि राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों में हुआ था। तो उस समय साथियों कुछ प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, कुछ राज प्रमुख हुआ करते थे, और कुछ उद्घाटनकर्ता हुआ करते थे। तो हम इनके बारे में भी याद रखेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिकें मैंने बनाई है आपके लिए बनाई है, तो आप भी इन ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है
तो आप इस ट्रिक से भी अपना नाम जो नाम है वो याद रख सकते हैं। और यदि आपको ट्रिक से नाम याद नहीं रहते हैं तो आप सीधे नाम भी याद रख सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक, यानी कि राजस्थान के प्रधानमंत्री जब एकीकरण का समय चल रहा था उस समय की बात हो रही है यहां पर। तो साथियों यहां पर ट्रिक है कि शोभा गोकुल मणि हीरा ही हीरा मोहन, शोभा गोकुल मणि हीरा ही हीरा नियम मोहन। तो देखिए साथियों शोभा से आपको याद रखना है शोभा राम कुमावत जो प्रथम चरण से है। दूसरे चरण की बात करें तो गोकुल भाई आसवा जो द्वितीय चरण से थे। तीसरे में बात करें तो मणिकेलाल वर्मा। चौथे में बात करें साथियों तो हीरालाल शास्त्री। पांच में बात करें तो हीरालाल शास्त्री। छठे में बात करें तो हीरालाल शास्त्री। और सात में बात करें साथियों तो जगमोहन। तो इस प्रकार से साथियों आपको याद रखने की ट्रिक मिल गई कि शोभा राम कुमावत, गोकुल भाई आसवा, मणिकेलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री तीन बार और फिर मोहन। तो आपको प्रधानमंत्री याद करने की ट्रिक हो गई। अब देखिए साथियों कुछ राज प्रमुखों की याद करने की ट्रिक है कि उदय भी भूमाने। उदय से जगह साथियों उदय भान सिंह जो प्रथम एकीकरण का था पहला चरण था उसका है राज प्रमुख उदय भान सिंह। दूसरे एकीकरण के राज प्रमुख थे भीम सिंह। तीसरे एकीकरण के समय राज जो शासक थे वो थे राज प्रमुख गोपाल सिंह। और चौथे से लेकर के फिर लास्ट सातवें तक की बात करें तो आपको मान सिंह याद रखना है, लेकिन सातवें चरण तक जाते जाते राज प्रमुख पद समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल पद का गठन हो जाएगा। वो आगे कौन से चरण में होगा आगे बात उसकी करेंगे। अब आपको साथियों एक और याद करना है उद्घाटनकर्ता, यानी कि जब पहली एकीकरण का पूरा हुआ था उस समय उद्घाटन करते कौन थे, दूसरे समय कौन थे, तीसरे समय कौन थे और चौथे समय कौन थे, उसके बाद में क्या होता है, इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको प्रथम में याद करना है एनवी गॉडगिल, दूसरे में भी आपको याद करना है एनवी गॉडगिल। तीसरे चरण की बात करें उद्घाटनकर्ता तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथे पंडित वल्लभ भाई हो गया और चौथे में हो जाएगा साथियों आपका वो हो जाएगा एस ए सरदार पटेल। तो देखिए साथियों इनके बारे में आगे की और हम बात बढ़ते हैं। तो पहला चरण पढ़ते हैं, सबसे पहले हम एक एक चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, उस चरण की तारीख क्या थी, उसके अंदर कितने रियासतें थी, इन सब के बारे में हम आसानी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम चरण। तो प्रथम चरण को क्या नाम दिया गया था, सबसे पहली बात तो अपने को यहां ध्यान रखनी है। तो प्रथम चरण को कहते हैं साथियों मत्स्य संघ। क्या कहते हैं, मत्स्य संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को होती है। बिल्कुल साथियों राजस्थान का जो प्रथम चरण है उसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को होती है। प्रथम चरण की राजधानी साथियों अलवर है। क्या है, तो प्रथम चरण की राजधानी अलवर, स्थापना 18 मार्च 1948 को। अब क्या होता है कि हमें यह पूछा जाता है कि प्रथम चरण के अंदर कौन कौन से राजस्थान की रियासतें सम्मिलित हुई थी। तो प्रथम चरण में सम्मिलित होने रियासतें थी साथियों आपकी थी वो थी ABCD। कौन सी रियासतें थी, ABCD रियासत थी। ABCD से आपको याद रखना है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनकी आपको चार रियासतें याद करनी है जो ABCD की रियासतें हैं जो पहले चरण में आती है। और ABCD में भी आपने देखा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD पहले नंबर पर आते हैं चारों। तो इसी प्रकार आपको पता चल गया कि प्रथम चरण जिसमें ABCD रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। साथ ही साथ साथियों इसमें एक ठिकाना आता है, उस ठिकाने का नाम था निमराणा ठिकाना। निमराणा कौन सा ठिकाना, निमराणा ठिकाना। तो साथियों पहले चरण में क्या हो गया, 4+1 याद रखना है आपको। पहले चरण का कोड क्या है, पहले चरण का, तो पहले चरण का कोड है 4+1, मतलब कि 4 देशी रियासतें और 1 ठिकाना शामिल होता है तो पहला चरण पूरा हो जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एनवी गॉडगिल प्रधानमंत्री पहले चरण के, तो शोभा राम कुमावत जो कि अलवर रियासत से थे। तो आपको यहाँ रियासत का नाम याद रखना है क्योंकि काफी बार प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। तो साथियों प्रथम चरण में बात करें तो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल और प्रधानमंत्री शोभा राम कुमावत। अगला था राज प्रमुख, प्रथम चरण के राज प्रमुख उदय भान सिंह जो धौलपुर के शासक थे। तो आपको यहाँ राज प्रमुख में उदय भान सिंह धौलपुर याद रखना है। और मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, तो नाम देने वाले थे KM मुंशी। तो साथियों पहले चरण के बाद जो टॉपिक थे, पहले चरण का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है
वो इतना ही है। आगे देखिए दूसरे चरण में चलते हैं। इसके बाद दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में साथियों देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका नाम क्या होता है दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण का नाम होता है पूर्वी राजस्थान। क्या नाम बन जाता है? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की स्थापना 25 मार्च 1948 को होती है। कब होती है साथियों? तो पूर्वी राजस्थान की स्थापना 25 मार्च 1948 को होती है। पूर्वी राजस्थान का राजस्थानी साथियों कोटा होती है। कौन सी राजस्थानी होती है? कोटा राजस्थानी होती है। फिर आता है कि इसमें सम्मिलित रियासतें कौन सी थी। दूसरे चरण की रियासतों के बारे में साथियों आपको एक ट्रिक बना रखी मैंने कि परसा बाबू झाड़ू को टोकी, इनकी झाड़ू से ठोकी। किसने ठोकी? परसा बाबू ने झाड़ू से ठोकी। आपको थोड़ा सा याद रखना है मारवाड़ी ट्रिक बना करके कि परसा ने बाबू को झाड़ू से ठोकी तो वो कू कू करने लगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा 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 नाम क्या रहेगा। तो परसा से साथियों आपको याद रखना है प्रतापगढ़, शाहपुरा। बा से आपको याद रखना है बांसवाड़ा, बू से याद रखना है बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, टो से टोंक, की से किशनगढ़। और साथ ही साथ साथियों एक आपका आता है कुशलगढ़ ठिकाना। तो साथियों यहाँ पर 9+1 का ट्रिक याद रखना है दूसरे चरण के अंदर। पहले चरण में अपने 4+1 की बात याद रखी, दूसरे चरण में 9+1 याद रखना है। और 9+1 में क्या याद रखना है साथियों, तो देख लीजिएगा कि इसके अंतर्गत हम ये दो बातें हो गई कि परसा बाबू झाड़ू को टोकी, ये आपकी ट्रिक रहेगी। एक मिनट साथियों, ठीक है, परसा बाबू झाड़ू को टोकी ट्रिक आपको याद हो चुकी है। इनकी आपको इसके फुल फॉर्म क्या है तो मैंने लिख रखी है, देख लीजिए मैं बता देता हूँ आपको एक बार। प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, किशनगढ़, ये तो साथियों रियासतें हैं 9। और एक इसमें साथियों ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, बिल्कुल हाँ। तो ये हो गया आपका कुशलगढ़ ठिकाना। इनकी दूसरे चरण की बात, दूसरे चरण के उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण के साथियों प्रधानमंत्री गोकुल लाल ओसवा जो कि शाहपुरा के थे, और राज्य प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा से थे, और उपराज प्रमुख भी यहाँ बने थे बहादुर सिंह जो कि बूंदी से थे। तो दूसरी रियासत की दूसरे चरण में राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण जिसका नाम पूर्वी राजस्थान, स्थापना 25 मार्च 1948, राजस्थानी कोटा, सम्मिलित रियासतें प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, कोटा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ ठिकाना। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, प्रधानमंत्री गोकुललाल ओसवा, राज्य प्रमुख भीम सिंह कोटा से, और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी से थे। आगे तीसरे चरण में चलते हैं। तो तीसरे चरण की यदि बात करें अपन साथियों, तो तीसरे चरण में देखिएगा तीसरे चरण का नाम पड़ जाता है संयुक्त राजस्थान। क्या नाम हो जाता है तीसरे चरण में? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है? 18 अप्रैल 1948 को हो जाती है। और यहाँ की जो राजधानी बन जाती है संयुक्त राजस्थान की राजधानी, वो होती है उदयपुर। साथियों इसमें क्या सम्मिलित हो जाता है? तो जो पूर्व राजस्थान है उस पूर्व राजस्थान के अंदर जब मेवाड़ आ जाता है और मेवाड़ का विलय हो जाता है तो पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़ मिलकर के संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर देते हैं। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे तीसरे चरण के। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री थे आपके मणके लाल वर्मा जो कि उदयपुर इनकी मेवाड़ से थे। राज्य प्रमुख की बात करें तो राज्य प्रमुख भोपाल सिंह थे, ये भी उदयपुर के मेवाड़ से थे, और उपराज प्रमुख थे साथियों भीम सिंह जो कि कोटा से थे। इसी प्रकार साथियों चौथे चरण में चलते हैं। तो चौथे चरण के अंदर राजस्थान के बारे में क्या होता है कि चौथे चरण का नाम बन जाता है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान संयुक्त राजस्थान के बाद का राजस्थान होता है जो 23 मार्च 1949 को बनता है। और इसी दिन साथियों अपन राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन वृद्ध राजस्थान की स्थापना होती है और इसकी राजधानी जयपुर बन जाती है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी रियासतें आ जाती है? तो जो संयुक्त राजस्थान है इस संयुक्त राजस्थान में
तीन जे और एक बी आ जाता है, तीन जे और एक बी से आपको याद रखना है, जयपुर जोधपुर जैसलमेर, बी से रखना है बीकानेर। तो जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर यानी कि वृद्ध राजस्थान के अंदर, वृद्ध राजस्थान के संयुक्त, सॉरी वृद्ध राजस्थान बन जाता है, कब बनता है कि जब संयुक्त राजस्थान में तीन जे और एक बी आ जाती है, जब संयुक्त राजस्थान में तीन जे और एक बी आ जाती है तो वृद्ध राजस्थान बन जाता है, जो बनता है 23 मार्च 1949 को। उसी दिन हम 30 मार्च उसी दिन की याद में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं हर 30 मार्च को। इसकी उद्घाटनकर्ता की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, और महाराज जो प्रमुख थे, महाराज प्रमुख की बात, हीरालाल शास्त्री कहाँ से, तो जयपुर से। राज प्रमुख भोपाल सिंह, ये बन जाते हैं महाराज प्रमुख बन जाते हैं, और राज प्रमुख बन जाते हैं मान सिंह जी द्वितीय जो कि जयपुर से हैं। फिर आता है इनका उपराज प्रमुख की बात करें तो भोईम सिंह कोटा के रहते हैं। आगे की बात करते हैं पंचम चरण के, तो पांचवें चरण के अंदर साथियों बहुत कुछ बदलाव हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, पांच चरण के नाम बन जाता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। यानी कि इस पांचवें चरण के अंदर संयुक्त वृद्ध राजस्थान क्यों बन जाता है, तो देखिए कि पांचवें चरण की स्थापना 15 मई 1949 को होती है, इनकी राजधानी जयपुर रहती है, और इनमें सम्मिलित रियासत क्या होती है, तो जो अपना वृद्ध राजस्थान था, इस वृद्ध राजस्थान में पहला चरण जो मत्स्य संघ है वो मिल जाता है। तो मत्स्य संघ प्लस वृद्ध राजस्थान मिलकर के संयुक्त वृद्ध राजस्थान बन जाता है। अब आता है कि ये कब बनता है, क्यों बनता है, तो ये होता है, अब इसमें क्या हो जाता है कि इसके अंदर एक समिति आ जाती है, इनकी शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया जाता है और एक नया पद मुख्यमंत्री पद को जोड़ दिया जाता है। कब जोड़ते हैं मुख्यमंत्री पद, तो मुख्यमंत्री पद संयुक्त वृद्ध राजस्थान के चरण पांचवा है, उस पांचवें चरण के अंदर प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर देते हैं और मुख्यमंत्री पद का सर्जन कर देते हैं। और ये किस समिति की सिफारिश पर होता है, तो साथियों आपको शिव शंकर समिति याद रखना है कि हमारी शंकर देव, कौन से देव, शंकर देव समिति आती है तो मुख्यमंत्री पद का सर्जन हो जाता है। अब मुख्यमंत्री पद बनेगा तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री, और राज प्रमुख रहते हैं मान सिंह जी द्वितीय जयपुर से। इसके बाद साथियों अगला चरण आता है छठा चरण, छठे चरण में क्या हो जाता है, तो देखिए छठे चरण का नाम पड़ जाता है राजस्थान संघ। क्या नाम हो जाता है, राजस्थान संघ हो जाता है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना के समय राजस्थान इसकी जयपुर ही रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो संयुक्त राजस्थान है उस संयुक्त वृद्ध राजस्थान की पांचवा जो टॉपिक है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान जो पांचवा चरण था, उस पांचवें चरण में सिरोही का भाग आ जाता है। सिरोही पूरी नहीं आती है, आबू देलवाड़ा के भाग जो है वो सम्मिलित नहीं होते हैं, आबू देलवाड़ा को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी सिरोही का भाग इसमें सम्मिलित होता है, तो संयुक्त राजस्थान संघ बन जाता है। मुख्यमंत्री इसमें हीरालाल शास्त्री रहते हैं और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहते हैं, और राजस्थान का विधिवत नाम भी इसी राजस्थान संघ में मिलता है। तो राजस्थान का विधिवत नाम कहाँ, कौन से चरण में रखा गया, तो छठे चरण में रखा गया, वो संघ का नाम था राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं सातवां चरण, जो लास्ट चरण है अपना, तो सातवें चरण की बात करें तो सातवां चरण जो आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक राजस्थान में देखिए इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है, इसकी राजधानी जयपुर रहती है। राजस्थान संघ में सिरोही का आबू देलवाड़ा भाग, अजमेर मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र जोड़ा जाता है, जबकि झालावाड़ राज्य का सिरोंज गांव मध्य प्रदेश को सौंप दिया जाता है। इनकी एमपी से कौन सा आता है, सुनेल आता है, सुनेल एमपी से आता है और सिरोंज एमपी चला जाता है। आपको यह यहाँ ध्यान रखना है बात कि सुनेल है जो एमपी से आकर के राजस्थान में सम्मिलित हो जाता है, और सिरोंज जो है वो सिरोंज एमपी में चला जाता है, और राज प्रमुख की जगह पर राज्यपाल पद का सर्जन हो जाता है, और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख नियाल सिंह, और सातवें संवैधानिक संशोधन द्वारा
राज्य की श्रेणी को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि पहले राज्य ए श्रेणी के, बी श्रेणी के और सी श्रेणी के राज्य हुआ करते थे, इन सबको श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या रह गए बाकी इन टॉपिक से उबर देते हैं। देखिए साथियों पहला टॉपिक लिखा कि वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। बिल्कुल, राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल सही, राजस्थान की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था। टीकाराम पालीवाल ने राज्य के प्रथम निर्वाचन लोकतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि प्रथम चुनाव के समय जो प्रथम लोकतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे टीकाराम पालीवाल। नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तो राजस्थान की जो विधानसभा बनी थी 160 सदस्यों की, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। फिर आता है आगे देखिए कुछ और फैक्ट, तो आगे लिखा है कि अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था जिसकी अलग विधानसभा थी, तथा हरिभाव उपाध्याय वहां के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उस समय अजमेर मेरवाड़ा एक अलग रियासत श्रेणी का राज्य था। फिर ये नवगठित राजस्थान में 25 जिले थे जिन्हें 5 संभाग जयपुर जोधपुर उदयपुर बीकानेर और कोटा में विभाजित किया था। इनकी जब राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले थे जिनको 5 संभागों में बांटा गया था। 1 नवंबर 1956 को फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में मिला दिया जाता है। तो अजमेर इस प्रकार से राजस्थान का 26वां जिला बन जाता है और जयपुर संभाग का नाम बदलकर अजमेर संभाग कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1 नवंबर 1956 को, जब अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र विलय होता है, उसी समय अजमेर 26वां जिला बन जाता है, जयपुर संभाग अजमेर में बदल जाता है। इस प्रकार से आगे कुछ और फैक्ट पढ़ देते हैं। तो और फैक्ट देखिए साथियों, और फैक्ट है कि 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख नियाल सिंह राजस्थान के प्रमुख प्रथम राज्यपाल कौन, तो 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख नियाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त होते हैं। और 15 जुलाई 1962 को संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कब कर दी गई? 15 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 15 अप्रैल 1962 को धौलपुर को 27वां जिला बना दिया गया, लेकिन वापस साथियों 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने राज्य को 6 संभागों में बांटा और संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। तो साथियों आपको यहाँ से याद रखना है कि संभागीय व्यवस्था कब समाप्त हो जाती है और कब पुनः शुरू होती है, किसके नेतृत्व में शुरू होती है, तो हरिदेव जोशी की सरकार में। और कितने संभाग बन जाते हैं वापस, तो 6 संभाग बनते हैं, जयपुर अजमेर जोधपुर उदयपुर कोटा और बीकानेर, ये 6 संभाग होते हैं। इसके बाद साथियों 10 अप्रैल 1991 को 12 दौसा और राजसमंद जिले बन जाते हैं, यानी कि 27 जिले बने हुए थे, 28वां 12, 29वां 2 और 30वां राजसमंद ये बनते हैं साथियों 10 अप्रैल 1991 को। इसके बाद साथियों 12 अप्रैल 1994 में हनुमानगढ़ जो राजस्थान का 31वां जिला बन जाता है। और आगे की बात करें तो 19 जुलाई 1997 को करौली है जो राजस्थान का 32वां जिला बन जाता है। और 26 जनवरी 2008 को प्रेमचंद कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का प्रतापगढ़ 33वां जिला बन जाता है। तो 33वां जिला किस समिति के आधार पर बना था? तो प्रेमचंद कमेटी के आधार पर बना था। फिर राज्य में 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग का निर्माण होता है। इसकी अधिसूचना 4 जून 2005 को जारी कर देते हैं, जिसमें करौली व सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लेते हैं, कोटा संभाग से 2 जिले, और भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से लेकर के ये 2 जिले। तो इस प्रकार से कुल 4 जिले मिल जाते हैं, करौली सवाई माधोपुर भरतपुर और धौलपुर, और नया संभाग बन जाता है। इसी प्रकार साथियों संभाग नया संभाग बन जाता है भरतपुर संभाग। आगे की बात करते हैं तो देखिए आगे जो सारणी आ गई आपके सामने, ये पूरे के पूरे 7 चरणों का एक शॉर्टकट रिवाइज है। तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ ABCD राज्य और निमराना ठिकाना, शोभाराम कुमावत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री, राज प्रमुख उदयभान सिंह,
और नामकरण के एम मुंशी उद्घाटनकर्ता गॉडगिल, इनकी इस प्रकार से आपको इस सारणी को वापस रिवाइज करना है और साथ ही साथ आपको सेल्फ नोट्स इस वीडियो से आप तैयार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो मैंने इस कंटेंट को पूरे के पूरे इस टॉपिक को पढ़ाया है 100% बात बता दी गई है, अब एक भी पॉइंट इससे बाहर नहीं रहेगा। तो साथियों, सेशन कैसा लगा अब तो कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला ऐसा और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।